अभी जो फ्लड आया था तो छोटा सा, देखो भाई यहाँ से थोड़ा सा नुकसान हुआ था यहाँ पे भी। अभी यहाँ पे इनका ब्रेकफास्ट चला हुआ है। सोनम वांगचुक जी ये देखो सामने खाना खाते हुए, अपने भी अभी गेस्ट भी आ चुके हैं। तो भाई मेरे पीछे चेक कर सकते हो, देखो कितना क्राउड है यहाँ पे, पुलिस वालों की ड्यूटी लगी हुई है। राशि गानी जी कहाँ जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? जी हमारा ब्रेकफास्ट देखो, सैंडविच और चाय। गाय चेक करे बार, क्यूट बच्चे देखो। तो जो पैदल यात्रा चली थी आपकी लेह से, उनके कुछ लोग देखो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में उनका ब्रेकफास्ट रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पे इनका आज ब्रेकफास्ट है, ये आपका गाइस देवधाम रेस्टोरेंट। यहाँ देखो गाइस ये रेस्टोरेंट यहाँ पे नदी के कितने करीब है। अभी जो फ्लड आया था तो छोटा सा, देखो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हुआ था यहाँ पे भी। अभी यहाँ पे इनका ब्रेकफास्ट चला हुआ है, फिर यहाँ से ब्रेकफास्ट करके आगे निकलेंगे। तो गाइस ये लोग चले हैं आपका लेह से पैदल यात्रा मोदी जी से मिलने के लिए। कुछ इनके इशू है वहाँ के, वो इन्हें मोदी जी के पास रखने हैं। तो गाइस सामने देखो अपने वो सोनम वांगचुक जी ये देखो सामने खाना खाते हुए, अपने भी अभी गेस्ट भी आ चुके हैं। तो भाई मेरे पीछे चेक कर सकते हो, देखो कितना क्राउड है यहाँ पे, पुलिस वालों की ड्यूटी लगी हुई है। चलो तो भाई हम भी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट थोड़ा सा। राशि गानी जी कहाँ जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बस बढ़िया, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? हैं फुल एंजॉय भाई। यहाँ पे चला ब्रेकफास्ट देखो, तो गाइस ये हमारा ब्रेकफास्ट देखो, सैंडविच और चाय। तो गाइस अभी बच्चों के साथ मीटअप कर रहे हैं, वो गया था कैमरा। गाय चेक करे बार, क्यूट बच्चे देखो। तो राजा कुल्लू में यहाँ पे समाज सेवी संगठनों से भी मिले हैं, किस तरह का यहाँ पे आपको लगता है, आपको सपोर्ट मिल रहा है? अभी तो मैं बच्चों के साथ हूँ, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कल के पृथ्वी को संभालने वाले हैं ये, तो हम जुड़ने चाहते हैं बच्चों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, मगर बड़ों ने थोड़ा हालत खराब कर रखा है इस पृथ्वी का, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इनको। तो हम इनके साथ मिलके सबको कहना चाहते हैं कि थोड़ा संभाले रखिए पृथ्वी को, संतुलन में रखिए और संरक्षित रखिए। तो इसी संदेश को लेकर हम लद्दाख से 1 सितंबर को चले थे और 2 अक्टूबर तक दिल्ली पहुंचेंगे यही संदेश देने। तो इसमें लद्दाख खासकर जहां से हम आए हैं उसे संरक्षित रखा जाए, उसके लिए सरकारी संवैधानिक जो प्रावधान है जैसे 6वां शेड्यूल उसको लागू किया जाए और जहां जहां जो अनुकूल हो वो प्रावधान लागू किया जाए, ताकि तहस नहस ना किया जाए, विनाश ना किया जाए विकास के नाम पर। ये हो रहा है बहुत जगह, लद्दाख से लेकर हिमाचल में हम देख रहे हैं अंधाधुंध विकास, 4 लेन रास्ते, तो कहीं उद्योग कहीं खनन, अच्छी बात है, मगर एक हद से आगे जब बढ़ेंगे तो लेने के देने पड़ेंगे। जैसा बड़ा है पिछले कई सालों में हिमाचल से लेकर सिक्किम तक, जितने रुपए का उद्योग लगाते हैं उससे ज्यादा उसके मरम्मत में लग जाता है। तो ये संतुलन बना रहे और हिमालय के जो निवासी हैं उन्हें निर्णय करने का अवसर दिया जाए, ना कि कोई बाहर की औद्योगिक कंपनी आके हिमालय में क्या हो वो निर्णय करे, यही है हमारी मुख्य मुद्दा।
हिमालया, सेब मनाली, सेब हिमालया, सेब लाहौल, सेब हिमालया। तो गाइस चल पड़े हैं नेक्स्ट यात्रा पर। चलते हैं अपने घर की तरफ, यहाँ से इनकी यात्रा आगे निकल गई कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो गाइस हम चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, बस मुझे ये आपको यात्रा दिखानी थी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।